जी हाँ, तस्वीर देख रहे हैं, यह लड़की इलाज के लिए मैक्सो हॉस्पिटल पटना आई थी और यह लड़की आज मृत हो गई है। यह लड़की महज 20 वर्षीय है और देख सकते तस्वीर में आज ये मर गई है। यह लड़की इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई थी। इस लड़की को पाँव में समस्या हुई थी, यानी कि हड्डी टूट गई थी पाँव का, उसी का इलाज के लिए यहाँ भर्ती हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, लड़की आज बची नहीं है, लड़की मर गई है। बताया जा रहा है मैक्सो हॉस्पिटल के द्वारा कि लड़की को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट अटैक आया। अरे भैया, कोई लड़की इलाज के लिए जाएगी पाँव का इलाज के लिए, लड़की मर जाएगी जी? आए आए, यही हो रहा है बिहार में। देखिए सामने लड़की की लाश पड़ी हुई है। लोग कहता है कि जाइए सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ अच्छा इलाज होगा। आपको पता है ना जी, PMC का क्या हाल है। लोग क्यों जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए? यही इलाज हो रहा है बिहार में। जान मार दिया गया, क्या ऑपरेशन में सिर्फ जान मार दिया गया यहाँ पे। आपका नाम क्या हुआ? आकाश नाम हुआ मेरा। कौन हुआ इनका? मेरे दोस्त की बहन हुई है। अच्छा, क्या सब इनके साथ हुआ है? 1 तारीख से यहाँ पे इलाज चल रहा है इनका, ठीक है? हाँ। 1 तारीख से इलाज चल रहा है। पहले तो पैर में इनके बड़ा रट लग गया। अच्छा। उनके बाद पहला ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरे ऑपरेशन में इनका ये कल जाकर ऑपरेशन हुआ है और उसमें इनको, इनके जो अंकल थे यहाँ पे उनको कल शाम में मिले भी, इनसे बातचीत हुआ है। उसके बाद फिर सुबह में भी उनसे बातचीत हुआ है। उसके बाद फिर उनको मिलने नहीं दिया गया। अच्छा। अंदर उनको ICU में ले गया गया, वेंटिलेटर पे रखा गया, फिर उनके बाद उनको कोई मुलाकात नहीं हुआ उससे। बाद में बताया गया डेथ हो गया। हम भाई हुए। भाई हुए? हाँ। इधर आइए, बताइए पूरी घटना क्या हुआ इनके साथ। इनका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। 1 तारीख को भर्ती हुई, सहरसा रहने वाली है। 1 तारीख को भर्ती हुई, पैर टूटा था, पैर में रॉड लगा, पैसा वसूलने के चक्कर में बड़ा रॉड लगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। फिर उसके बाद उसको रड को जो है नहीं सक्सेस किया, छोटा रड लगाया गया। अच्छा। पैर टूटने इसी क्रम में ये रड लगाने हेर फदल में और पैसा सुनने के चक्कर में लड़की की मौत हो गई। मौत हो गई है। डॉक्टर क्या बोला, कैसे मर गई लड़की? डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर है कहाँ? कौन है? आइए हॉस्पिटल के अंदर। ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी का मौत इसी तरह से हो रहा है। ये पिताजी हैं क्या? नहीं, पिताजी नहीं है इनके। लाचार लड़की को देख के पैसा उस लगा है, बस माँ है इसकी। माँ कभी आई है यहाँ पे? नहीं आई है। नहीं आई है। देख लीजिए भाई, पहुँच रही है। 2-3 लोग हैं जी। क्या आप कौन हुए? आप कौन हुए? आप कौन हुए भैया? आए भैया आगे, इधर जी, इधर आइए, डरिए मत। ये हॉस्पिटल है, पूरा हॉस्पिटल बंद है, यहाँ पे कोई नहीं है, डॉक्टर चले गए हैं। अभी ये बयान दे रहे थे तो इनको बुलाया गया अंदर जी। यहाँ पे क्या, क्यों रोक रहे हैं? क्यों रोक रहे हैं आप? क्या बात, क्यों रोक रहे हैं आप? क्यों रोक रहे हैं आप? लड़की मर गई है अंदर, किसी के बहन यहाँ मरी है, किसी की बेटी मरी है यहाँ पे। सहायता कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। हम लोग कहाँ के हैं? हमारे तो आप इनको बुलाया है, बयान दे रहे हैं ना कुछ, बयान दे रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं क्या? बुआ आप इनके साथ थे, मरीज के साथ थी आप, क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ, क्या हुआ है? क्या यहाँ के आश्वासन क्या मिला? हॉस्पिटल आश्वासन क्या दिया आपको? हम आपके साथ हैं, ठीक है, हमने कोई दुश्मनी नहीं है, ना हॉस्पिटल को जानते हैं ना आपको जानते हैं। पता चला यहाँ पर आए, जहाँ हो सकता हम लोग सहायता करेंगे। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी यहाँ पर बेटी एडमिट हुई थी, क्या हुआ उनके साथ? उसके साथ हुआ ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद कल भी एक ऑपरेशन हुआ। अच्छा। उसके बाद सब उसका तबियत खराब हुआ, पूरा पसीना वसीना आने लगा। अच्छा। तो उसके बाद डॉक्टर को बोला है तो सब आया देखा होता तो उसके बाद होगा जब बच्चे का हालत गंभीर हो गया। अच्छा। उसके बाद बेटी डेट कर गई। इनकी माँ कहाँ है? इनकी माँ सहरसा में, उनका हालत बहुत खराब है। इनको कितना भाई बहन है? एक भाई एक बहन। बहन है। माँ क्या करती है इनका? माँ इनका सरकारी जॉब में है। सरकारी जॉब में। अच्छा, इनके पिता का देहांत कैसे हुआ था? इनका पिता का भी उसी तरह देहांत हुआ था, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक से देहांत हुआ था। ये घर में लड़की बड़ी है? हाँ, बेटी बड़ी है। नाम क्या लड़की का? निशा भट्टाचार्य। निशा भट्टाचार्य। निशा भट्टाचार्य। उम्र क्या लड़की को हो रही थी? 22 साल। अच्छा, सिर्फ 22। सिर्फ 22। अभी आपको मैक्सो हॉस्पिटल द्वारा क्या कहा गया? मैक्सो हॉस्पिटल द्वारा भी कुछ नहीं कहा गया, कुछ सहायता मदद राशि कुछ नहीं। तो आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग अब घर का, उसका माँ का हालत बहुत खराब है, सहरसा में। अच्छा। हॉस्पिटल में उसको भर्ती करना पड़ रहा। अच्छा। है अब हम लोग नहीं उसको लेकर जाएंगे तो उसका माँ का हालत खराब हो जाएगा, कौन देखेगा? हम लोग मजबूरी से यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। पेशेंट के साथ कौन कौन आया था? पेशेंट के साथ कंटिन्यू ये पेशेंट के साथ। आपका नाम क्या हुआ चाचा? मेरा नाम तरुण भट्टाचार्य। कहाँ से आप आए हैं? हम सहरसा। सहरसा से। लड़की कौन हुई आपकी? हमारी भतीजी है। भतीजी? अपनी भतीजी? अपनी भतीजी। आप लाए थे? हाँ, हम ही। लड़की को
हम ही पिता नहीं है ये लेकर आए थे क्या क्या के साथ कैसे क्या अरे उनका जो है पैर यहाँ वाला टूट गया था जांग टूटा था ठीक तो उसी के लिए हम तो जो माइनर बातें देते चलो भाई बगल में डॉक्टर अपना कर देते हैं अच्छा ठीक है ना भाई वही लेके आए हैं अपना भर्ती कराए थे ऑपरेशन हुआ है अब ऑपरेशन के बाद कल फिर एक ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो है सुबह में तबीयत अचानक खराब हुआ बहुत डेथ कर गया अच्छा जब लड़की का ऑपरेशन हुआ था जहाँ पहले ठीक था ठीक थी वो लड़की कब मर गई हम ये आपको आप टाइम तो एक्चुअल हम नहीं बता सकते ठीक है ना हम लोग को जानकारी जब मिला है वही 11 बजे के लगभग 10-11 बजे जानकारी मिला अच्छा उसी टाइम से यहाँ है क्या आश्वासन मिला हॉस्पिटल के द्वारा हॉस्पिटल के द्वारा हमको कुछ आश्वासन नहीं मिला बहुत सीरियस स्थिति है हॉस्पिटल को ये है चाचा साथ में थे इनकी भतीजी सामने है और डेड बॉडी को यहाँ से निकाला गया है ये एक दस्तावेज है जो जनमंच पर देख रहे हैं क्योंकि इस खबर के बाद लड़की अज्ञात हो जाएगी यही खबर है जो जनमंच पर लाइव तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से हॉस्पिटल से डेड बॉडी निकाला गया है और सामने है पुलिस भी आई हुई है यहाँ पर मौके पर हम सबसे बारी बारी बात करने की कोशिश करेंगे और देख लीजिए इधर आइए भैया जी बताइए कैसा क्या हुआ सर यहाँ पर तो इलाज के क्रम में मरा है लीकर के जो देगा हम लोग कार्रवाई करेंगे अच्छा अब तक क्या कार्रवाई कर रहे हैं अब तो हम लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी तक तो मान लिया अगर लीक करके देता है उसके अनुसार हम लोग पोस्टमार्टम वगैरह कुछ अभी तक तो नहीं दिया गया है रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं हम लोग हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग सवेरे से आकर के यही कर रहे हैं अच्छा आप लीक करके दीजिए लीक कर दीजिए आवेदन ही मिला जो कार्रवाई सर अभी आवेदन ही नहीं मिला है मुझे डेड बॉडी को लेकर कहाँ जाया जाएगा अब पता नहीं वो लोग कहाँ ले जा रहे हैं तो वही तो हम उतर कर आपकी जानकारी में नहीं है हमको लीक करके भी अभी नहीं दिया गया वही तो मांगने के लिए जा रहे हैं कि क्या करना है सो प्रतिवेदन देगा हमको हॉस्पिटल वाला क्या कह रहा है सर अब हॉस्पिटल का कोई तो है नहीं अभी कोई नहीं है ना डॉक्टर वगैरह भी हम फोन करवाए तो अभी तक तो उपस्थित नहीं हुआ है कोई उपस्थित नहीं हुआ है कार्रवाई होगी बिल्कुल जैसा लीक करके देंगे हम लोग कार्रवाई करने के लिए 22 साल की लड़की मर गई सहरसा से आई थी यहाँ पर वो लीक करके देंगे हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे जैसा लीक करके देंगे उस तरह से कार्रवाई हो सर लोग इसको दूसरे एंगल देख लीजिए ये स्थिति है आप तस्वीर में देख सकते हैं अभी ये लिखित मांग रहे हैं तब ये कार्रवाई करेंगे तस्वीर में देख लीजिए ये मैक्सो हॉस्पिटल पटना मीठापुर बस स्टैंड के सामने यहाँ पर 22 वर्षीय निशा की मृत्यु हो गई यह लड़की इलाज के लिए आई थी बताया जा रहा है पांव के इलाज के लिए आई थी यहाँ पर उसका ऑपरेशन हुआ और हार्ट अटैक आ गया हाय रे भगवान इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ ये डॉक्टर को डिग्री कहाँ से मिला है कि कैसा इलाज किया कि लड़की मर गई पांव के इलाज लड़की को मरता है जी ये सब घटना सिर्फ बिहार में ही होता है आपको इससे पहले मैंने खबर दिखाया था महावीर संस्थान का आरोग्य संस्थान का वहाँ लड़की कान के इलाज के लिए गई थी उसको हाथ कटवाना पड़ा यहाँ देख लीजिए लड़की पांव के इलाज करवाने के लिए आई जाने गवा दी मर ही गई ये हमारा बदलता हुआ बिहार का बदलता हुआ तस्वीर और ये है मैक्सो हॉस्पिटल का कारनामा और ये है सच्चाई ये है इनका आवेदन है जो कि आवेदन देंगे जक्कनपुर थाना अध्यक्ष को कहाँ गए अंकल कहाँ गए थाना अध्यक्ष इधर है आइए इधर फोटोकॉपी करा के रिसीविंग ले लीजिए हाँ अध्यक्ष महोदय इधर हैं नहीं पहले साइन कराएंगे तब ना कौन साइन करेंगे इस पे चाचा जी करेंगे चाचा जी वहाँ पे फोटो ले लीजिए ना आइए एम्बुलेंस के पास आइए मीडिया का जो काम है वो हम कर रहे हैं पुलिस का जो काम होगा पुलिस करेगी क्या हुआ जी ए डरते क्यों हैं डरते नहीं है डरिए मत किसी से साइन कीजिए वो कार्रवाई करेंगे ये देख लीजिए सामने लड़की मरी हुई है अब पुलिस को चाहिए लिखा हुआ ये क्या इससे प्रकार का प्रूफ है क्या जी है नहीं दिख रहा है कि मर गई लड़की लेकिन फिर भी इनको लिखित चाहिए यह है हमारा पुलिस तंत्र सामने आरोपी अपराधी है और सामने गवाह है सब चीज़ सामने है अरे न्याय चाहे तो न्याय यहीं पे हो जाए लेकिन जानते ही है ना भारत का संविधान और कानून देखिए कानून के पचरे में ये लोग पड़ेंगे अब और इनके साथ चाचा थे लड़की के साथ देख रहे हैं ना जी कैसे लोग भाग रहे चिटक रहे हैं
हम सबसे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इस गरीब को साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। साइन के लिए कहा जा रहा है तो उधर जा रहे हैं, इधर बुला रहे तो उधर जा रहे हैं। आपको लगता होगा कि हम लोग काम नहीं करते, हम लोग ग्रास रूट पर काम करते हैं, एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, लेकिन लोगों का सपोर्ट आपके सामने है। कहाँ गए जी, साइन हो रहा है? कहाँ गए, साइन हुआ जी कागज़ पे? अंकल जी यहाँ पे। अंकल जी क्या हुआ, क्या दिक्कत हो रहा है? अरे भैया आपका माँ का हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, बहुत ही। अरे भैया माँ का हॉस्पिटल में भर्ती है, चले जाइएगा ना तो एक्शन नहीं होगा, आप ही के पक्ष में बोल रहे हैं हम। हमको पता है, हमको समझना जुड़ा उस माँ से है। अब साइन नहीं कीजिएगा तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। देख लीजिए संघर्ष हम लोगों का। अब अंदर में ये लोग घंटों से बैठे हुए थे, अंदर में क्या गोटी फिट हुआ है अंदाजा लगा लीजिए आप। ये लोग देख लीजिए सामने है, तस्वीर में है, एम्बुलेंस से जा रहे हैं। ये देखिए FIR नहीं कीजिएगा ए चाचा, ये देखिए साइन नहीं करना है, साइन नहीं करेंगे आज आप। ये देख लीजिए सच सबूत साथ में चला गया, इस व्यक्ति ने साइन नहीं किया। अब मामला सब साफ है, कोई एक्शन नहीं होगा। क्या एक्शन होगा जी? अब पुलिस के अनुसार साइन होना चाहिए था, ये बार बार मुकर रहे हैं, फिर हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने का। एक एम्बुलेंस को भगाया जा रहा है कि साइन ना करें, क्योंकि वो अंतिम गवाह थे, सच थे, वो सच उस डेड बॉडी के साथ चला गया। ये है हमारे बिहार राजधानी पटना की कहानी। राजधानी में एक लड़की इलाज के लिए आती है सहरसा से चलकर, और किस तरह से हॉस्पिटल में मैनेज किया जाता है मैक्सो हॉस्पिटल में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो जनता के हित में शेयर कर दीजिए धड़ाधड़, क्योंकि जनता भाग गई है। ये मत बोलिएगा कि हम लोगों ने कोशिश नहीं किया, हमसे जो कोशिश हुआ सच दिखाएं। सच यह है कि इनके चाचा ने साइन नहीं किया तो जक्कनपुर थाना कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि अंदर में सेटिंग हो गया है। हमसे जो हो पाया हमने किया, आपको जो हो सकता है आप भी कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और सच्चाई दिखाइए मैक्स हॉस्पिटल का। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।